लाख में मौत का सौदा, हथियार सहित पकड़ा गया सौदागर, एसडीपीओ ने दी जानकारी। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग अनुराग आनंद की रिपोर्ट। संजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर की जान का सौदा को पुलिस विफल कर दिया और जान बच गई। इनकी हत्या के लिए इस्तेमाल हुए बाइक के साथ अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और अपराधियों के साथ इस्तेमाल किए गए बाइक के साथ हथियार को भी जब्त किया। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के तहत एसडीपीओ ने 11 फरवरी शुक्रवार को दी। मिली जानकारी में 8 फरवरी को रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्लो डिकरा के पास से एक बाइक की चोरी की गई थी। बाइक चोरी करने में बाइक BR03T7460 का इस्तेमाल किया गया था। इसे देखते हुए किसी भी संभावित अपराध को रोकने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक लखीसराय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिनमें SHO सूर्यगढ़ा, SHO हलसी, SHO कबैया, SSHO रामगढ़ के PSI कुमार संजीव, DIU प्रभारी शशि भूषण, सिपाही विभूति कुमार शामिल हुए। वही 8 फरवरी को चोरी की गई बाइक को सूर्यगढ़ा में देखे जाने की बात सामने आई और सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष ने क्षेत्र में सघन निगरानी रखना शुरू कर दिया। फलस्वरूप कजरा तीन मुहानी के पास पल्सर बाइक से दो लड़कों को पकड़ा गया, जिनमें फैयाजुल हौदा पिता मोनिरुल हौदा, राहत मोड़ करीम चेक थाना नगर जिला सारण, दूसरा कन्हैया कुमार पिता स्वर्गीय विजय शंकर प्रसाद सिंह साकिन जकड़पुरा थाना सूर्यगढ़ा लखीसराय को पकड़ा गया। इनके पास से लोडेड पिस्टल जिनमें जिंदा कारतूस पाया गया। कमरुल हौदा शुभम कुमार के घर 10 दिनों से रह रहा था तथा हथियार भी शुभम कुमार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। पूछताछ में पता चला कि शुभम कुमार पिता जयशंकर प्रसाद साकिन सूर्य मठ पोखर पचना रोड थाना कबैया लखीसराय, जिनका संजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर पचना रोड से काफी पुराना जमीनी विवाद था, उसी विवाद में शुभम कुमार द्वारा फैयाजुल हौदा, समीर, सलीम, बबलू द्वारा संजीत मंडल की हत्या के लिए 35 लाख का सौदा किया गया था। इस घटना के लिए बाइक की चोरी की गई थी, जिनमें हलसी रामगढ़ थाना कांड संख्या 30/22 8 फरवरी 20-22 दर्ज किया गया था। दिनांक 8/2/22 को रामगढ़ थाना चौक के ग्राम बिल्लो डकरा नहर के पास एक बाइक चोरी हुई। उस बाइक चोरी में CCTV फुटेज को खंगाला गया तो तीन व्यक्ति हैं। वहाँ एक पल्सर गाड़ी का यूज हुआ था, उसको चोरी करने में BR03T7460। चूँकि CCTV फुटेज था, बाइक सवार का भी वीडियो था, तो रामगढ़ थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक लखीसराय को त्वरित रूप से सूचना दी गई और CCTV फुटेज के आधार पर पूरे लखीसराय जिला पुलिस में उस CCTV फुटेज को फैला दिया गया कि एक संदिग्ध गाड़ी अगर दिखे तो इसको त्वरित रूप से रोकना है और आगे कार्रवाई करना है। इसी क्रम में सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, जो टीम बनाई गई थी उसमें सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, कवैया थाना अध्यक्ष राजीव, रामगढ़ चौक अरविंद और हलसी थाना अध्यक्ष अवधेश, PSI संजीव कुमार सूर्यगढ़ा थाना, DIU प्रभारी और विभूति। और उसके बाद जब सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र में उस बाइक को देखा गया BR03T7460 को, तो सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष और उनके टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जब बाइक को पकड़ने के लिए दौड़ाया गया तो उसमें बाइक सवार जो है स्किड कर गया और उसमें दो व्यक्ति पकड़ा है। एक का नाम है फैजुल हुदा और दूसरा था कन्हैया कुमार। फैजुल हुदा, मोनिरुल हुदा साकिम राहत रोड करीमचक थाना नगर जिला सारण का रहने वाला है और कन्हैया पेसर स्वर्गीय विजय शंकर प्रसाद सिंह साकिम जकड़पुरा थाना सूर्यगढ़ा का रहने वाला। इन दोनों की जब तलाशी लगी तो एक लोडेड पिस्टल और 5 राउंड जिंदा कार्टेज मिला और 2 मोबाइल फ़ोन मिला। और जब गाड़ी के संबंध में भी कागज़ मांगा गया तो फैजुल हुदा द्वारा बताया गया कि गाड़ी जो है चोरी का है। फिर फैजुल हुदा ही द्वारा बताया गया कि हम लोगों को यहाँ पे शुभम कुमार जो कवैया का रहने वाला है, शुभम कुमार पिता जयशंकर प्रसाद जो 10 दिनों से हम लोग को बुलाया है और हथियार और भी उसी के द्वारा दिया गया था और उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर है संजीत मंडल, उसकी हत्या करना था। संजीत मंडल और शुभम के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इस संबंध में आगे सत्यापन के लिए शुभम और तीनों टीम के द्वारा ही रामगढ़ चौक से जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की गई थी और इनके निशानदेही पे ही सुरजी चक से जो रामगढ़ चौक थाना में मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो सामुदायिक भवन
सुरगी चक से बरामद किया गया और पूछताछ के क्रम में पता चला फैजुल हुदा है जो अंतर्राज्यीय शार्प शूटर है। इसका आपराधिक इतिहास झारखंड बंगाल, एक आपराधिक इतिहास इसका बिष्टुपुर थाना जमशेदपुर में मिला, बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 425/17 दिनांक 16/12/17 धारा 392 और 25(1)(b)(a) 26(35) आम सेक्ट। उसके अलावा शुभम का भी आपराधिक इतिहास है, हलसी थाना कांड संख्या 110/16 394 भादवी, हलसी थाना 111/16 आम सेक्ट का और कवैया थाना 741/19 और 743/19। इसके अलावा और भी इस कांड में तीन हैं अपराधी जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उसकी भी अरेस्टिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। और इसी में एक बात खुलासा और भी हुआ कि जो जिस संजीत मंडल की हत्या होने वाली, एक खोटाहाटी का अपराधी था असगर, जिसे मारा थाना द्वारा पकड़ा गया था आर्म्स के साथ और उसे जेल भेजा गया, पहले उसी को 6 लाख की सुपारी मिली हुई थी और उसके द्वारा जब काम नहीं किया गया पकड़ाया गया तब इस फैजुल हुदा को 35 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी का बात चल रहा था और उसी को अंजाम देने के लिए यहाँ 10 दिन से कैंप किया हुआ था। प्रशासन को सही समय पर सूचना मिली और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ लिया। तो इस मामले में गिरफ्तार कौन कौन लोग हुए हैं? इस मामले में गिरफ्तार फैजुल हुदा, कन्हैया और शुभम, और भी तीन साथी हैं जिनको हम लोग जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। दो बाइक दोनों चोरी की बाइक है, एक स्प्लेंडर और एक बजाज पल्सर। ये पल्सर डकरा से लूटी गई थी? पल्सर गाड़ी का डकरा में यूज हुआ था, स्प्लेंडर गाड़ी वहाँ से लूट के मतलब चोरी करके ले गई। और ये पल्सर कहाँ से लूटी गई है इसके बारे में सत्यापन चल रहा है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सूर्यगढ़ा से हुई, तीन मोहानी कजरा 7.5 कट्ठा और 2 कट्ठा शहर का जमीन है और ज्यादा दाम है इसी के लिए दोनों।